ओह हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काव्या एंड मामी चैनल। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कट कर रही हूँ। तो ये कुछ वेस्ट मटेरियल मेरे पास रखा था और आज हम इसी वेस्ट मटेरियल के थ्रू सीखेंगे कि इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। जी हाँ, मैं इनका यूज़ करके काव्या को लर्निंग सिखाने वाली हूँ। और आप तो सोच रहे होंगे कि काव्या की अभी स्पीच डिले है, वो तो कुछ बोलती नहीं है। तो लेट्स सी द मैजिक हाउ काव्या विल स्पीक बाय यूजिंग दिस वेस्ट मटेरियल। ये मैंने कुछ स्क्वायर में कट कर लिया है इसको इस तरह से। अब हम इस पर लिखेंगे कुछ साइड वर्ड्स। साइड वर्ड्स मैं डार्क कलर से लिख रही हूँ। पहले बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए साइड वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से ये मैं कट कर रही, मेरे ग्रीन टी की पैकेट मैंने पहले से ही बना रखे थे। तो हम कुछ साइड वर्ड्स मैंने लिखे इन पे, एम सी माई यू। ठीक है, क्योंकि हम पेपर पे बनाते तो वो उड़ जाते। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाएंगे तो बच्चों की इंग्लिश बहुत इजीली आएगी, उनको जो बेस है वो अच्छा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे सिखाएंगे। साइड वर्ड्स बना लिए हैं, तो अब हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को पहले साइड वर्ड सिखाएंगे तो बच्चों को आना चाहिए। वेयर इज विच लेटर इज दिस काव्या? लाउड। विच लेटर दिस? Which letter is this? सही से बोलो, is. तो इस तरह से बच्चों को साइड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए। तो अब हम मैजिक सीखेंगे कि किस तरह से सिखाएंगे। Read it. Very good, Kavya. Very good, Kavya. Very good, Kavya. Duck. Very good. Very good. देखा फ्रेंड्स, जैसे मैंने काव्या को बहुत साइड वर्ड्स सिखाए हैं और साइड वर्ड्स की हेल्प से, कार्ड्स की मदद से इसने दिस इज अ काउ सीखा है। इसी तरह हम एक और नया साइड वर्ड सिखा सकते हैं, आई। आई की मदद से हम इसको क्या नया सेंटेंस सिखा सकते हैं, आई एंड सी। काव्या रीड इट। वेरी गुड। Very good. इसी तरह देखा फ्रेंड्स कि किस तरह से बहुत ही सिंपल वे में काव्या ने रीडिंग करना सीख लिया एंड साइड वर्ड सीखा। अभी और भी साइड वर्ड्स हैं, आप एंड सिखा सकते हो, आई सी अ डॉग एंड अ कैट। तो इस कार्ड्स के थ्रू आप कराओगे तो बच्चों की लर्निंग बहुत आसानी से आती है। और अगर आपका स्पेशल चाइल्ड है तो उसको तो बहुत, उसको भी बहुत इजी वे में सिखा मतलब आता है। तो आप इस तरह के जो ग्रीन टी के बॉक्सेज हैं उनको थ्रो ना करके इनको यूटिलाइज करके इनके एजुकेशन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बच्चा और छोटा है तो आप अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो उनको, नंबर सिखा सकते हो, ठीक है, और काउंटिंग वगैरह भी आप सिखा सकते हो। तो सकते हो इसी तरह की मैं लर्निंग एक्टिविटीज़ लाती रहूँगी। और अब मैं करती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट एक बात आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी आप आने वाली वीडियो टाइम पे देख पाएं। और अब मैं करती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।